हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ CRPF प्लेसमेंट के बारे में। फाइन दोस्तों, CRPF की तरफ से यहाँ पे गुड न्यूज़ आ गई है। फाइन दोस्तों, यहाँ पर CRPF प्लेसमेंट में रिजल्ट और फिजिकल से रिलेटेड एक गुड न्यूज़ दे दी है। दोस्तों गुड न्यूज़ क्या है, कब से यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, कब से यहाँ पर फिजिकल होने वाले हैं CRPF प्लेसमेंट में, और दोस्तों इसी के साथ साथ बताने वाला हूँ कि यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, सेफ स्कोर क्या रहने वाला CRPF प्लेसमेंट में, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ कितने जाने वाली है। दोस्तों कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, और दोस्तों इसी के साथ साथ बताने वाला हूँ कि यहाँ पर CRPF प्लेसमेंट में रिजल्ट डेट और फिजिकल डेट जारी कर दी गई है। रिजल्ट डेट क्या है, कब तक रिजल्ट जारी किया जाएगा, और कब से यहाँ पर फिजिकल होने वाले हैं, और कब से यहाँ पर फिजिकल एडमिट कार्ड आएंगे। दोस्तों कंप्लीट जानकारी के लिए बने वीडियो के एंड तक। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, CRPF प्लेसमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें पोस्ट वैकेंसीज और सिलेक्शन प्रोसेस की सारी जानकारी दी गई है। दोस्तों बात करें यहाँ पर पोस्ट और वैकेंसीज की, तो यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई थी 9212 लड़कों की वैकेंसीज थी और 107 लड़कियों की। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से CRPF प्लेसमेंट में पहले एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी संख्या में लड़के और लड़कियों ने CRPF प्लेसमेंट में एग्ज़ाम दिया था। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वे सभी कैंडिडेट यहाँ पर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, आपको यहाँ पर CRPF प्लेसमेंट का एग्ज़ाम क्रॉस करना और आपको फिजिकल क्वालिफाई करना और देन उसके बाद आपको CRPF प्लेसमेंट ज्वाइनिंग लेनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर CRPF प्लेसमेंट में जो आपने एग्ज़ाम दिया था आपको उसे क्रॉस करना होगा। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर सेफ स्कोर कहने वाला है, एग्ज़ाम को यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, रिजल्ट की जानकारी आपको मैं बाद में देने वाला हूँ वीडियो के एंड तक। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था आपने उसको यहाँ पर क्रॉस करने के लिए, उसको आपको यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों नॉर्मल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर CRPF प्लेसमेंट में यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो उसमें आपको 75+ में यहाँ पर मार्क्स चाहिए, तभी आप यहाँ पर एग्ज़ाम को यहाँ पर क्वालिफाई कर पाओगे। और दोस्तों उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो दोस्तों उस पर पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सफाई कर्मचारी की। तो दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पर सफाई कर्मचारी में एग्ज़ाम दे कर आए थे और वो कैटेगरी में आते हैं जनरल कैटेगरी से, तो उनकी यहाँ पर कट ऑफ रेंज जाने वाली 70, OBC में 69, ST और SC में 63+ में यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। बाटा कैरियर में जो कैंडिडेट यहाँ पर जनरल से आते हैं वो उनकी यहाँ कट ऑफ जाने वाली 70+, OBC में 68+, ST और SC में यहाँ पर 62+ में। टेलर पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जनरल में 70+, OBC में 68+, ST और SC में 62+ में यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। बात करूँ बगले पोस्ट की, दोस्तों जनरल में 70, OBC में 67, ST और SC में 61 यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। ड्राइवर पुश की बात करूँ तो यहाँ पर 80+ में यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है, OBC में 78, SC और ST में 72, कुक में 70 और OBC में 68 और ST और SC में 62+ में कट ऑफ जाने वाली है। दोस्तों चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो उसमें जो कट ऑफ जाने वाली है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जहाँ कट ऑफ बनेगी यहाँ पर 75+ में ही बनने वाली है, जो मैं आपको यहाँ कट ऑफ बता रहा हूँ पोस्ट के हिसाब से कैटेगरी वाइज। दोस्तों कम से कम यहाँ पर हाई रहेगी, इससे कम नहीं जाने वाली है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो यहाँ पर कट ऑफ जाएगी चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो 75+ में यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों जो आपने एग्ज़ाम दिए उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और रही बात जो कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उन्हीं कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल होने वाला है। दोस्तों कब से यहाँ पर CRPF टेस्ट में रिजल्ट कब आएगा, कब से फिजिकल होगा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ 10 दिन पहले CRPF टेस्ट का फिजिकल से रिलेटेड एक नोटिस जारी किया गया था। उसमें बताया गया कि CRPF टेस्ट का जो फिजिकल होगा वो 29 सितंबर से होना था, पर दोस्तों यहाँ पर 29 सितंबर भी निकल गई, ना ही फिजिकल हुआ ना ही रिजल्ट आउट हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा रिजल्ट टाइम के बाद ही यहाँ पर फिजिकल डेट को आउट किया जाएगा, चाहे आपके यहाँ पर फिजिकल डेट आउट क्यों ना कर दिया जाए, जब तक दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट नहीं आता
कितने कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई करें ये जानकारी नहीं मिलती है, तब तक यहाँ पर फिजिकल नहीं होने वाला। तो दोस्तों फिजिकल से पहले यहाँ पर 100% CRPF टेस्ट में रिजल्ट आउट किया जाएगा, उसी के हिसाब से यहाँ पर फिजिकल डेट को निकाला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल एडमिट कार्ड आएंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पर फिजिकल होने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर CRPF टेस्टमैन का जो यहाँ पर रिजल्ट की कब तक जारी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो CRPF टेस्टमैन का जो एग्ज़ाम रिजल्ट है आपका यहाँ पर 15 अक्टूबर से पहले जारी कर दिया जाएगा एंड देन उसके बाद यहाँ पर फिजिकल एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे जो कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम क्रॉस करेंगे। जो कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे उन कैंडिडेट का यहाँ पर फिजिकल एडमिट कार्ड आने वाला है। तो दोस्तों 18 से 22 अक्टूबर के बीच यहाँ पर CRPF टेस्टमैन फिजिकल एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे एंड देन उसके बाद 28, 29 या 30 तारीख से यहाँ पर आपके CRPF टेस्टमैन फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों कोई भी कैंडिडेट टेंशन ना ले, कट ऑफ की मैंने आपको बता दी, सेफ स्कोर मैं आपको बता दिया, एग्जाम रिजल्ट की भी मैं आपको बता दी, फिजिकल डेट की भी मैं आपको बता दी। आप किसी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना या आप डाउट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल पर आपको CRPF ट्रेसमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव न्यूज़, रिजल्ट अपडेट, फिजिकल डेट या फिर फिजिकल से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ आती हैं तो सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी कैंडिडेट हैं CRPF ट्रेसमेंट और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं स्पेशल वो कैंडिडेट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जब भी यहाँ पर रिजल्ट जारी होता है उसी के साथ साथ यहाँ पर फिजिकल डेट भी जारी की जाएगी। तो दोस्तों सारी जानकारी पाने के लिए तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कर लेना।